वैश्विक महामारी कोरोना ने आम जनजीवन के साथ अर्थव्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया है। कोरोना की इस महामारी से लोग घरों में दुबकने को मजबूर है, लेकिन कड़ी धूप में अपना खून पसीना बहाकर सरकार की फसल चक्र परिवर्तन में शामिल होने वाले किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। धान की खेती छोड़कर नकदी फसल के रूप में साग सब्जी उत्पादन करने वाले किसान कोरोना की मार झेल रहे हैं और लाखों रुपए का नुकसान झेलने को मजबूर है। आज हम आपको जांजगीर चांपा जिला के एक ऐसे युवा किसान के बारे में बताने वाले हैं जो सरकारी नौकरी पाने की चाहत रखता था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्राम जवाली निवासी गोपाल पटेल की, जिन्होंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की और वे शिक्षक बनना चाहते थे, पर नौकरी नहीं मिल सकी। तब उन्होंने कृषि की तरफ रुख कर लिया। वे पिछले 5 वर्षों से हरी भरी सब्जियां उत्पादित करके जांजगीर रायगढ़ जिला सहित अन्य राज्य ओडिशा तक सब्जियों की बिक्री करके अच्छा मुनाफा अर्जित कर रहे थे और साथ में ग्रामीणों को रोजगार भी दे रहे थे। परंतु पिछले साल लॉकडाउन होने से इनकी फसल जाम हो गई और फसल सड़कर नुकसान हो गया था, जिससे लाखों का नुकसान हुआ था। इस वर्ष भी वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पूरे प्रदेश में लॉकडाउन हो गया, जिसके चलते युवा किसान गोपाल पटेल फिर से नुकसानी के डर से परेशान है। वैसे तो जांजगीर चांपा जिला का 80% हिस्सा नहर के माध्यम से धान का 2 फसल लेते हैं, लेकिन डबरा, मालखरोदा और जेजेपुर क्षेत्र के किसान धान की फसल के बजाय शासन द्वारा फसल चक्र परिवर्तन के निर्देश का पालन करते हुए नकदी फसल के रूप में टमाटर, बैंगन, भिंडी, करेला जैसे साग सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन इस बार कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन से हरे भरे साग सब्जी बाजार नहीं पहुंच पा रहे और खेत में ही सड़ रहे हैं। कोरोना के कारण लॉकडाउन का यही हाल रहा तो किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका है और वे शासन प्रशासन की ओर से नुकसान की भरपाई के लिए आस लगाए बैठे हैं। नकदी फसल के लिए अपने खेतों में सोलर बोर लगाकर किसान सब्जियों को तैयार कर लिए हैं और अपनी बाड़ी से लाल टमाटर के साथ हरी सब्जियों की अच्छी उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण फसल को तोड़ने के बजाय पेड़ में ही सूखने के लिए छोड़ना पड़ रहा है और कोरोना की मार से आंसू बहा रहे हैं। इस वैश्विक महामारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाला किसान की रीढ़ की हड्डी महामारी ने तोड़ कर रख दी है। ऐसे में किसानों की आस सरकार से बंधी है, सरकार इनके नुकसान की भरपाई के लिए पहल करे। ले बोल। मेरा नाम गोपाल पटेल है, मैं ग्राम जवाली का हूँ। मैं एक शिक्षित बेरोजगार हूँ। मैंने पहले नौकरी के लिए बहुत तलाश किया, नौकरी नहीं मिलने पर मैंने अपना खेती किसानी स्टार्ट किया। तो हम लोग पहले धान का खेती करते थे, उसमें पानी का खपत ज़्यादा था, तो मैंने नए पद्धति से ड्रिप सिस्टम से मैंने सब्जी की खेती करना स्टार्ट किया। तो उसमें करीबन मैं 4-5 साल से कर रहा हूँ खेती, और 4 एकड़ में मेरा सब्जी का फसल लगा हुआ है, जिसमें 2 एकड़ में टमाटर है, 1 एकड़ में करेला है, 1 एकड़ में बैंगन है। तो पिछले साल लॉकडाउन की वजह से मेरा नुकसान हुआ था, तो इस साल मैंने खेती को ज़्यादा किया, मैंने उस कमी को पूर्ति करने के लिए मैंने ज़्यादा खेती किया। तो ज़्यादा खेती किया तो लगता है इस साल मुझे और ज़्यादा नुकसान होगा। पिछले साल तो करीबन 2 लाख का नुकसान हुआ ही था, तो इस साल का करीबन मेरा 5 लाख का नुकसान होगा लग रहा है। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस फसल को उठवाने की मैंने कुछ व्यवस्था करें, उचित व्यवस्था करें, ताकि मेरा फसल नुकसानी मत हो। इसमें पूरा टमाटर मेरा सड़ रहा है और करेला पक जा रहा है, बैंगन डिसकलर हो जा रहे हैं और एक भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं। तो मैं सरकार से यही मैंने मांग करता हूँ कि मेरा फसल, या मेरा नहीं, हर किसान का फसल मतलब बाड़ी से मैंने उठवाएँ, मैंने बिक्री करने की व्यवस्था करें, या मंडी में भी कम लोगों का मैंने कम लोगों भीड़ कम करके संचालित करें। और मेरा तो नुकसान हो ही रहा है, प्लस मैं 15 लेबर करीबन मेरे डेली आते थे, तो मेरा फसल के साथ साथ अब लेबरों को भी कम करना पड़ रहा है मुझे, तो उनके भी परिवारों में मैंने दिक्कत हो रहा है, खाना पीना सब मुश्किल हो रहा है उन लोगों का, तो बहुत नुकसान हो रहा है। बताएंगे पटेल जी, कहाँ कहाँ से किसान आकर आपके यहाँ से फसल ले जाते थे लॉकडाउन से पहले? हाँ, लॉकडाउन से पहले मेरा गाड़ापाली से भी आते थे, और इन बगल में गाड़ापाली से आते थे वो सपोज के पास,
और ये सकराली से आते थे, सकराली से भी आते थे और जवाली से भी आते हैं और यहीं तुलसीढ़ी से भी आते हैं। बाहर अन्य राज्य भी जाता है क्या? अन्य राज्य नहीं जाते हैं, मतलब मेरे यहाँ।